श्री सदगुरु प्रताप सिंह जी मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन मंडी में किया जा रहा है। जिला कराटे संघ मंडी की बैठक संस्था के अध्यक्ष राजकुमार परमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें श्री सदगुरु प्रताप सिंह जी मेमोरियल ट्रॉफी आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में आगामी होने वाले राज्य स्तरीय कराटे प्रतिस्पर्धा को लेकर भी चर्चा की गई। जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन मंडी के पड्डल मैदान स्थित बैडमिंटन हॉल में 29 और 30 दिसंबर को किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला कराटे संघ मंडी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में काता कुमते शैलियों के मुकाबले होंगे, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के पुरुष व महिला प्रतिभागी सभी भार वर्गों में हिस्सा लेंगे। इसमें लगभग 250 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के विजेता 5 से 6 जनवरी को बैजनाथ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आपको जो जानकारी हमारे महासचिव ने दी, इस प्रतियोगिता में हमारे दूर दराज बच्चे आ रहे हैं, बारी चौकी बंजा इस साइड से, बारी चौकी से हैं, आपके सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, सरका घाट और सभी जगहों से कम 250 बच्चों की लगभग प्रतियोगिता में आने की संभावना है। इस प्रतियोगिता में 8 साल से लेकर हम जो 21 साल वर्ग के बच्चे हैं, उनमें बच्चों में काता और कुमीते दो शैलियां होती हैं कराटे में। काता काता जो है एक बैकबोन ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा गया, वो कुछ एक्शनों को मिला के बनता है। कुमीते इज फाइट, कुमीते एक लड़ाई का साधन है, जैसे फाइट की जाती है उस प्रकार की दो शैलियां होती हैं। और सभी वर्गों में भार तोलन होता है, जैसे सभी में बॉक्सिंग में 65 किलो, 55 किलो, 25 किलो, उसी प्रकार से सारी प्रतियोगिता कराई जाएंगी। और इन प्रतियोगिता के बाद जो विजेता होंगे वो 5 और 6 जनवरी को हमारे बैजनाथ जिला कांगड़ा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराई जा रही है, उसमें भाग लेंगे। और जो वहां से विनर होंगे वो हमारी जो नेशनल लेवल चैंपियनशिप है वो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में फरवरी 5-6 को तय हुई है, वहां पे वहां भाग लेने के लिए जाएंगे। तो मैं और इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करने के मैं जिला कराटे संघ के महासचिव और हमारे साथ बैठे हैं सहसचिव और जो भी कराटे संघ के सदस्य हैं, उन सभी का सहयोग से हो रही है। तथा इस समापन मतलब इसकी सफलता सफल प्रयोजन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हर वर्ष हम जो छुट्टियां होती हैं उसमें हमारे महासचिव के सहयोग से और हम सब के सहयोग से एक गर्ल्स के लिए फ्री कैंप कराटे का करते हैं, वो इस वर्ष भी लगेगा। मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि वो जो है छुट्टियों में 15 दिन का हमारा एक कोचिंग कैंप होता है गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां से हम 20 लड़कियां सिलेक्ट करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट कैंप का ऑर्गेनाइज और उनको ड्रेसेस दी जाती हैं। ये हमारा मतलब जिला कराटे संघ का एक आयोजन रहता है, जिसमें हम बच्चों को चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी को सुरक्षित भी कराओ। कहने का मतलब आज सबसे बड़ी जरूरत है सेल्फ की, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, दोनों चीजों की। और कराटे एक ऐसी सफलता है जिसमें बच्चा नशे से दूर रहता है। और मैं आगे ना विश्व से बात करता हूँ कि हमारे बच्चों को नशे से दूर रखे ही, सभी अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को खेल भावना में डालें, ताकि आपके बच्चे नशे से बचकर किसी और आगे में आगे जाएं।